प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। आइए आइए दीदी, आप पक्को आना। कैसे हुआ आज बड़े दिन के बाद? इन्हीं से गुजर रहे थे तो बोले कि सोचे कि जरा जाके मिल लेते हैं। आइए आइए बैठिए। नहीं दीदी, हमारे के लिए तो दिक्कत का हो लोग के काम में। नहीं नहीं दीदी, बहुत फुर्सत में जो बच्चे आने वाला है ओकरे लिए खाना बना रहा लिए है। बहुत टाइम है, बनेबो करवे उसे बतियो करवे। हाँ देखें दीदी कैसे हाथ धो रहे हैं। बच्चों के लिए खाना बना लिया बैठा दीदी, खा के अब जी है। अब ठीक है दीदी, बना ला। रुके दीदी, क्यों क्या हुआ दीदी? ठीक हो दीदी? कल हमारा लेना तकलीफ करवा, हम नहीं नाश्ता करवा। तकलीफ नहीं होती दीदी, बना दियो खा ला तू। बुरा नहीं मानवा दीदी, ते को बात बोलियो। हाँ बोला ना दीदी। नहीं दीदी, हाथा गोइठवा लेके अलू, हाथा वैसे धो लू। हाथवा तो साफ है दीदी, अभी तो पानी से धोलिए हाथा। नहीं दीदी, खाली पनिया से हाथ धोबे से साफ नहीं हो गए। वैसे हमारे हाथ में जो कीटाणु होता है, जब साबुन से धोते हैं तभी साफ होता है। देखिए दीदी, हमारे हाथों में कीटाणु होता है, हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है ये कीटाणु। जब हम खाना बनाते हैं तो वो कीटाणु खाना में चला जाता है, और जब हम खाने बैठते हैं खाना खाने के लिए तो हमारे पेट में चला जाता है। इसलिए बीमारी से बचना चाहते हो तो शौचालय के बाद, खाना बनाने से पहले और खाने से पहले साबुन से हाथ जरूरी धोना चाहिए। हाँ दीदी, बात तो सही कह रहे हो। रुके दीदी रुके, अब कुछ वाले दीदी, साबुन से तो हाथ धोए ले लिए। साबुन से हाथ धोने का भी एक तरीका होगा। अब ये तो साबुन से हाथ धोले दीदी, या फिर साबुन के तरीका बताओ। हाथ धोए ले पानी दूर से लावे पड़ रहा है, फिर साबुन के खर्चा क्या देते? पानी के चलते दीदी या साबुन के चलते दीदी, तू हाथ नहीं वैसे धोबू तो बीमारी से बचना है को कि नहीं हको? सोचो तो दीदी, भोरे से तो की आज काम कैलू है। क्यों दीदी, कुछ याद है लो दिन भर में की काम कैला हल जे? हाँ दीदी, आज गंदे हाथ से बहुत काम करिए, वह लगे हमारे बच्चा लगा बीमार पड़ ले है। हो सकता है दीदी, बड़े हाथों में बहुत कीटाणु तरह से होते हैं और बहुत तरीके से बीमारी को फैलाता है। घर के साफ सफाइया के बाद भी हाथ धो लेना चाहिए, और शौचालय के बाद भी आए तो हाथ धो लेना चाहिए। रुकिए, हम बताते हैं साबुन से हाथ कैसे धोया जाता है। देखिए दीदी, हाथ धोने का 7 प्रक्रिया है। देखिए दीदी, पहले साबुन से हाथों में फोम बनाइए। पहले हाथों से अच्छी तरीके से ये तरहती को लगाना है। देखिए दूसरा तरीका है, पीछे हाथों के ऐसे अंगुली घुसा करके दोनों हाथों में ऐसे ऐसे करते रहना है। देखिए पीछे अंगुली से तरहती पे साथ हो गया, फिर आगे करके अंगुली घुसा के दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करना है। ये चौथा तरीका है कि अंगुलियों में घुसा करके दोनों हाथ को अंगुलियों को साफ करना है। पांचवा तरीका है कि पूरा अंगूठों को साफ करना है, दोनों अंगुलियों को साफ करना है। दीदी ये सब छठा तरीका है,
हम नाखूनों को साफ करने के लिए भूल जाते हैं। ये देखिए तरहती पर रख के ऐसे करके नाखूनों को साफ करते हैं। देखिए अंतिम तरीका हम लोग का आस्तिक का तरीका है कि कलाइयों को साफ करना है। देखिए अब हमको हाथ साबुन से साफ हो गया। अब तरहती पर पानी लगाएं दीदी। अब दीजिए यही तरह से बहते पानी में हाथ धोना लाना चाहिए। देखिए अब हमारे हाथ सही से साफ हो गया। तो हम भी करके देखें दीदी। हाँ देखें दीदी करके। पहला मैं फॉर्म भर के हाथ को दले के मैले, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में दीदी, चौथा में ऐसे कीजिए नाखूनों को साफ कीजिए दीदी। फिर पांचवा में क्या करते हैं दीदी? अंगूठों को साफ कीजिए। छठा में ये वाला, फिर पांचवा छठ कलाइयों को साफ कीजिए। अब लगा दूं पानी। अब तो मेरा हाथ साफ हो गया ना दीदी। हाँ दीदी ऐसी जिस तरीके से सब दिन हाथ धोते रहिएगा। देखिए दीदी ये हाथ धोने का प्रक्रिया 22 सेकंड में कम से कम हो जाना चाहिए। 22 सेकंड में क्यों दीदी? ये कि मेरे हाथों में दो तरह के जीवाणु होते हैं। एक तो है कि मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है और दूसरा है कि मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हम ज्यादा देर तक साबुन से हाथ धोएंगे तो जीवाणु अच्छे वाला जीवाणु होते हैं वो हमारे हाथों से धुल जाएंगे। इसलिए 22 सेकंड में हाथों की धोने की प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है हम सातों प्रक्रिया से हाथ धोएंगे और 22 सेकंड में हम खत्म करेंगे। ठीक है दीदी आप सब सोच समझ गए हैं। करके जाएगा ना दीदी? ठीक है दीदी जा रही है। आवर में आए वो तक खाना खाए वो गुस्सा मत करिया। इसी तरह हाथ साबुन से धोते रहिए। ठीक है दीदी अबरी जरूरी हमारे हाथ के बनल खाई है। हाँ हाँ दम पक्का अबरी आएंगे तो खाना खा के जाएंगे। ठीक है दीदी तो नमस्ते। हाँ दीदी।